हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तवा कढ़ाई। फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाते हैं तड़का इडली। इडली अपने में बहुत लाइट और हेल्दी ब्रेकफास्ट है और बहुत टेस्टी भी बनता है, और इसमें राई और करी पत्ते का तड़का लगा के इसका टेस्ट दुगना हो जाता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो चलिए बनाते हैं। दोस्तों, पहले हम इसकी सूजी तैयार करेंगे। सूजी तैयार करने के लिए हम एक कढ़ाई में एक चम्मच घी डालेंगे और उसमें एक चम्मच राई तड़का के उसमें हम दो चम्मच बारीक कटा हुआ करी पत्ता डालेंगे। अब हम इसको भून लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें एक चम्मच उड़द की दाल, एक चम्मच चने की दाल। अब हम इसको भी भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दो कटोरी सूजी। दोस्तों, हमें सूजी भूननी नहीं है, इसमें मसाला ये मिक्स करना है। हम इसको गैस पे बस एक मिनट चला के मसाला मिक्स करके और हम गैस बंद कर देंगे। अब ये देखिए हमारी सूजी तैयार है। अब हम इसको एक अलग बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। उसमें हम डालेंगे एक कटोरी दही और एक कटोरी पानी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच चीनी। अब हम इसको 45 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। अब ये देखिए 45 मिनट बाद हमारी सूजी अच्छे से फूल चुकी है। मुझे बैटर थोड़ा थिक लग रहा है तो मैंने इसमें आधी कटोरी पानी और डाला है। बैटर आपको और थिक लगे तो आप थोड़ा सा पानी और डाल लेना उसमें। हमें बैटर इतना पतला बनाना है। अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। अब सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे एक पैकेट इनो। दोस्तों, इनो तभी डालें जब हमें एकदम इडली बनानी हो। अगर इनो डाल के आप इसको ज़्यादा देर रख देंगे तो इनो फ्लैट हो जाता है। तो इडली के बैटर को मोल्ड में डालने से जस्ट पहले ही इनो डालें। अब हम कुकर में पानी डाल के उसको ढक के प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारी इडली के मोल्ड है, इसको हम अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे। जो सबसे लास्ट का मोल्ड है, हम इसमें बैटर नहीं डाल रहे हैं क्योंकि नीचे पानी आ जाता है, तो इसको खाली छोड़ दें। अब हम इसमें अपना बैटर डालेंगे। इसका स्क्रू टाइट करके अब हम इसको कुकर में रख देंगे। अब दोस्तों, हम इसको ढक के मीडियम गैस पे 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें हम सीटी नहीं लगाएंगे ताकि एक्स्ट्रा स्टीम बाहर निकलती रहे। अब ये देखिए हमारी इडली कितने अच्छे से फूल चुकी है। अब आप इसको एक बार चाकू से या टूथपिक से देख लें कि ये अंदर से कच्ची तो नहीं रह गई है। अगर कच्ची होगी तो ये चाकू या टूथपिक पे चिपक के आएगी। अब ये देखिए हमारी इडली तैयार है। अब हम इनको अलग अलग करके 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब
अब ये देखिए हमारी इडली ठंडी हो चुकी है, अब हम इनको मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमारी इडली कितनी फ्लफी और सॉफ्ट बनी है, अब अंदर से भी देखिए अच्छे से कुक हो चुकी है। तड़का इडली बनाने के लिए हमको इडली को छोटे छोटे पीस में काटेंगे, आप जिस साइज के पीसेस चाहते हैं आप उस साइज में काट लेना। हमारी इडली कट के रेडी हो चुकी है, अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम एक कढ़ाई में 1.5 चम्मच घी डालेंगे, उसमें हम 1 चम्मच राई तड़काएंगे और 2 चम्मच बारीक कटा हुआ करी पत्ता तड़काएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्च बारीक लंबी कटी हुई, अब इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 लंबा कटा हुआ प्याज और प्याज को भी भून लेंगे। जब प्याज हमारी भुन जाए तो अब हम इसमें अपनी इडली डालेंगे। इसको अच्छे से चला लेंगे। दोस्तों हम नमक पहले ही डाल चुके हैं तो इसलिए यहाँ पर नमक डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इडली फीकी लग रही है तो आप इस तड़के में स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। अब हम इसको ढक के 5 मिनट के लिए स्लो गैस पे छोड़ देंगे। अभी हमारी तड़का इडली तैयार है, आप इसको चटनी या सॉस के साथ गरम गरम खाएं। ये थी तड़का इडली की रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।